आपने जब लिपन कार्ट खोली उसके अंदर आपके ऑथर ने लिखा कि आपके पास ये जो साइटोक्रोम P450 है दैट इज़ अ सुपर फैमिली अब जी इधर हमें आपके बुक में लिखा अच्छा, है दैट इज़ साइटोक्रोम P450 फोर फिफ्टी इज़ अ सुपर फैमिली अच्छा अब ये सुपर फैमिली वर्ड है शायद आपने बायोकेमिस्ट्री में इसको इग्नोर कर दिया बायोकेमिस्ट्री में आपके पास जब आप इन्जाइम्स पढ़ते हैं प्रोटीन्स पढ़ते हैं आपके पास वर्ड आता है सुपर फैमिली अच्छा सुपर फैमिली का नाम पास आपके पास वर्ड आ गया सब फैमिली का वर्ड आया था उधर प्रोटीन से पढ़ चुके हो ना द वर्ड वॉज सुपर फैमिली दैट वॉज सब फैमिली नाम से क्या पता चल रहा है सुपर फैमिली कोई लार्जर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ना, हैं इंजाइम्स हैं ना, सब फैमिली बो, 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 कुछ छोटा ग्रुप है अच्छा ठीक है अगर बच्चों मेरे पास जी एक लार्जर ग्रुप है मैंने एक लार्जर ग्रुप बना लिया भाई आप मेरे पास मैं कहती हूँ मेरे पास ग्रुप है द स्टूडेंट्स ऑफ हजवेरी यूनिवर्सिटी दिस इज़ अ लार्जर ग्रुप मतलब कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ आपस में लिंक है लिंक क्या ये हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स yes. हैं ठीक yes. है अब जी मैंने कह दिया द बैच ट्वेंटी आपका बैच ट्वेंटी है बैच ट्वेंटी एक स्पेसिफिक yes. बैच yes. हो गया yes. इनमें मजीद सिमिलैरिटी आ गई कि एक पर्टिकुलर ईयर में 2022 में बच्चे आए ये ट्वेंटी टू के स्टूडेंट्स हैं ये बैच ट्वेंटी है एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं एक ही जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं मुख्तलफ कैसे हैं देर आर फ्राम द डिफरेंट सिटीज दे हैव डिफरेंट हाइट ठीक है cities, height, जब मैं लार्जर फैमिली की बात कर रही थी तो मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी आ रही थी जब मैंने ग्रुप छोटा बना लिया मेरे पास सिमिलैरिटी रिजेंबलेंस ज़्यादा आ गई भाई यही कॉन्सेप्ट आपके पास सुपर और सब फैमिली का बायोकेमिस्ट्री में भी था यहाँ मैंने एंजाइम का ग्रुप देखा है साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी आपकी बुक में आपका उत्थन ने कह दिया दिस इज अ सुपर फैमिली दिस इज अ सुपर फैमिली ऑफ हीम कंटेनिंग आइसोजाइम्स अच्छा हीम ग्रुप है इसके अंदर और ये आइसोजाइम है फिर बायोकेमिस्ट्री का वर्ड आ गया भाई जब मैंने कहा दिस इज सबसे पहले मैं वर्ड डिस्कस कर लेती हूँ साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी इज अ सुपर फैमिली देखो सुपर फैमिली मैंने कहा दिस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स द लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स या लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर डिस्टेंटली रिलेटेड यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस है इसके अंदर कि एक एक बड़े सिनेरियो के अंदर कुछ रिजेंबलेंस है अगर ज़्यादा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ठीक है अब ये अगर मैंने इसको सुपर फैमिली कहना है मैंने इसको सब फैमिली नहीं कहा सब फैमिली क्या होगी इसके अंदर सब फैमिली कौन सी आएगी बी मेरे पास दिस इज अ स्मॉलर ग्रुप स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंजाइम्स या स्मॉलर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड ठीक है तो आपके ऑथर ने सबसे पहले जर्नल डिस्कशन की मैं ढेर सारे बड़े सारे ग्रुप की बात कर रही हूँ जहां आई हैव अ लॉट ऑफ इंजाइम्स साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी और साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी आपके पास एक सुपर फैमिली है दैट कंटेन्स द हीम अच्छा हीम कंटेनिंग आइसोजाइम्स आइसोजाइम ऐसा लगता है कुछ इन्जाइम की बात कर रहे हैं आइसो कुछ मिलता जुलता लग रहा yes, है बच्चों जब में ठीक है आइसोजाइम्स को क्या कहोगे दीज आर इन्जाइम्स आइसोजाइम्स आपके पास इन्जाइम्स हैं दैट हैव डिफरेंस इन दी अमीनो एसिड सीक्वेंस भैया आपको पता है इन्जाइम्स आपके प्रोटीन्स हैं प्रोटीनस अमीनो एसिड से बने हुए हैं मैंने जब इमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया मेरे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स आ गए जो कि आइसोजाइम्स हैं आइसोजाइम्स हैं लेकिन ये आइसोजाइम्स में कुछ रिजेंबलेंस है ना बट वट दे आर डूइंग दे विल केटेलाइज द सेम केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो कैटेग कैटेलाइज कर रहे हैं मैंने कह दिया दी सर बस भी इनका काइनेटिक पैरामीटर से डिफरेंट है इसकी विलोसिटी डिफरेंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है ठीक है, है? Yeah. क्लियर होगी yeah. भाई इस तरह जी आपके पास दो वर्ड्स आ गए अब मैं आ जाती हूँ साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी के नॉर्मल क्लेचर पे कहीं मैं भी एंजाइम का नाम पढ़ूंगी लिखा होगा साइटोक्रोम थ्री yeah. ए फोर ऐसा लिखा हुआ नज़र आता है ना कहीं जगह yeah. पे लिखा है अब जी ये हम लोग ने साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी है P450 में मेरे पास एंजाइम है साइटोक्रोम 3A4 ये नाम आया कैसे मेरे पास बच्चों मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन जो मेरे पास साइटोक्रोम P450 है जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है दैट इज़ साइटोक्रोम 3A4 जब भी मैं आपसे आपसे पूछा ना कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइजेशन करते है आपने फ़ौरन से कह देना साइटोक्रोम थ्री ठीक है इसको जो मैं एज ए रेफरेंस ले लेती हूँ सबसे पहला सी वाई पी यहाँ से पता चला ये भी साइटोक्रोम को ही रिप्रेजेंट करे दिस इज द सिंबल ऑफ साइटोक्रोम पी ठीक है अब इसमें जी थ्री क्या है ए क्या है फोर क्या है बच्चों थ्री इज रिप्रेजेंटिंग दी फैमिली गुड ए इज रिप्रेजेंटिंग इज सब फैमिली एंड फोर इज रिप्रेजेंट दैट इज रिप्रेजेंटिंग दसो ठीक है बस आप लोग इतना याद रख लेना ये भी आपके पास इसका नॉमल क्लेचर आ गया